हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम अपने नेविगेशन मेनू में आइकन लगाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने नेविगेशन में आइकन कैसे लगाते हैं। तो मैं अपने एडमिन पैनल में लॉग इन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पहले से मैंने लॉगिन कर रखा है तो मैं प्लगइन्स पे क्लिक करूंगा। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मेनू आइकन। मेन्यू आइकन से आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेन्यू इमेज आइकन मेड बाय इजी, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप इस तरह से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। मैंने कर रखा है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ एक्टिवेट कर रहा है। तो मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन का हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप सेट कर लेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं पहले आपको मेनू में आइकन ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से अपीयरेंस में से मेनू पे क्लिक कर दूंगा और मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको ये मेरा मेनू दिख जाएगा। जैसे मेन्यू इमेज इसमें ऑप्शन आ चुका है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। चलिए सबसे पहले मैं आइकन आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आइकन पे क्लिक कर दिया। आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले से जो आइकन है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं होम आइकन को चूज करना है तो मैं होम आइकन चूज कर लेता हूँ आप, और इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इससे मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होम का आइकन आया या नहीं आया। देखिए फ्रेंड्स, से होम का आइकन आ चुका है। इसी तरह से आप जैसे कॉन्टैक्ट में लगाना चाहते हैं तो इस पे मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आइकन चूज करना है। आइकन में चूज कर लिया। कॉन्टैक्ट के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स, और सेव करके मैं क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट का भी आइकन लग चुका है। इस तरह से आप अपने मेनू में आइकन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस मेनू में इमेज आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो मैं मेनू पे क्लिक कर दिया हूँ फ्रेंड्स और यहाँ से मैं इमेज पे क्लिक करूंगा। इमेज पे क्लिक करने पे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट इमेजेस और किस साइज के मुझे मेन्यू में चाहिए, तो 20x20, और यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे मैं मेनू आइकन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा था, पहले उसको देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आइकन नाम से यहाँ पे फोल्डर बना रखे हैं। तो मैं इस आइकन को अपने यूज कर लेता हूँ इमेज को। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैंने जो आइकन अपलोड किए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप आइकन लगा सकते हैं। आप व्हाइट कलर का लगाना, मैंने ऐसे दिखाने के लिए मैंने लगा दिया हूँ। और मैं दूसरे मेनू में भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको मेनू इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करना है। अगर आपको ऊपर चाहिए तो
तो आप पहले मैं आपको इमेज सेट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो दिखा दूंगा कि प्रीवियस में चाहिए या टॉप या बॉटम, आपको जहाँ लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि दोनों आइकन आ चुके हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप आइकन लगा सकते हो। तो मैं इसे इसका पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे पहले आफ्टर में लगा हुआ, इसे बिफोर में लगाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, बिलो करना चाहूँ तो इस तरह से दिखेगा, एबव करूँगा तो इस तरह से दिखेगा, हाइड करना चाहूँ तो सिर्फ आइकन ही दिखेंगे। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप कभी होम आइकन देखे होंगे और बाकी सब टेक्स्ट रहते हैं मेनू में, मैं उस तरह से कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो आपको इससे पता लग जाएगा। मैं इसे आफ्टर ही रहने देता हूँ, ये सही लग रहा है मुझे, तो मैं इसे क्लिक करके सेव कर दिया। और मुझे अब होम मेनू में सिर्फ मुझे आइकन चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा सिंपल और सेव कर दूंगा। सेव चेंज सेव हो चुका है। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको होम कॉन्टैक्ट। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, चाहे आप तो सिर्फ होम में आइकन चाहिए तो आप होम में रखना, बाकी सब में आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और सेव चेंजेस पे कर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो होम आइकन है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट आप होम का मैंने आइकन लगा दिया और बाकी सब पे मैंने टेक्स्ट रहने दिया। तो आप इस तरह से अपने मेनू में आइकन लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आइकन लगाओ या इमेज लगाओ आप लगा सकते हो। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।